वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं आज पीडियाट्रिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आप अगर हमारी HTM की अकेडमी यानी कि हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज अकेडमी की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे भी लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप एप्लीकेशन के अंदर CHO NM NORSET GNM MPHW एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है इसकी जो प्राइस है, अगर आप चाहें टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्राइस में, पेड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ओनली 200 रुपीज को पे करना है। और इसके साथ साथ में आपको वीडियोज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, PDF नोट्स मिलेगा। अगर आप पे नहीं भी करना चाहें तो आप फ्री में टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि हर संडे के दिन फ्री टेस्ट होते हैं। तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को। इसके साथ साथ में आप यहाँ पर आपको स्टोर के ऊपर जाना है और स्टोर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पूरे हमारे जो कोर्सेज है वो अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों मात्र 200 रुपये में 5 महीने के लिए, पेट्रोल से भी कम कीमत है इसकी, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और आप परचेज नहीं भी करना चाहें तो आप फ्री के अंदर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं बिना पैसों में। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। If newborn APGAR score is below 5, it indicate, यदि नवजात APGAR score 5 से कम है तो यह इंगित करता है, यानी कि जो APGAR score अगर आपने चेक किया, कब आप APGAR score चेक किया वो कितना आया, 5 से नीचे आया। टोटल स्कोर कितना होता है इसका, टोटल इसका स्कोर होता है वो कितना होता है, 10 होता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बर्थ एस्पेक्सिया, सॉरी एस्पेक्सिया नियोनेट्रम, या हम उसे क्या कहेंगे अपन, एस्पेक्सिया नियोनेट्रम, यानी कि इसको इंडिकेट करता है। देखो आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि APGAR स्कोर का टोटल स्कोर कितना होता है, तो APGAR स्कोर का जो टोटल स्कोर होता है 10, ठीक है। अगर 7 to 10 है तो इसका मतलब नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। क्या है इसका मतलब, नॉर्मल है। अगर 4 to 6 है मतलब माइल्ड, क्या है, माइल्ड डिप्रेशन है। और अगर 3 से below है इसका मतलब सीवियर डिप्रेशन है, यानी कि सीवियर डिप्रेशन है। बात करें अगर यहां पर, अगर आपसे कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि APGAR स्कोर कब लेते हैं, APGAR स्कोर कब लेते हैं, ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो APGAR स्कोर कब लेते हैं, एक तो बर्थ के समय, ठीक है, एक तो बर्थ के समय लेते हैं, दूसरा कब लेते हैं, 5 मिनट बाद। कितने मिनट बाद, बर्थ के 5 मिनट बाद लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा ना मित्रों, बर्थ के 5 मिनट बाद लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द लैंप आर यूज ट्रीटमेंट ऑफ नियोनेटल जॉन्डिस, नियोनेटल जॉन्डिस के लिए नवजात शिशु के पीलिया के उपचार हेतु किस रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। यहां पर करेक्ट आंसर है वो है ब्लू लाइट। देखो ब्लू लाइट लैंप को हम यूज करते हैं, किसको, ब्लू लाइट लैंप को हम यूज करते हैं। बताओ इसको क्यों यूज करते हैं और किसमें यूज करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां पर, तो इसे यूज करते हैं किसके अंदर, फोटोथेरेपी के अंदर, फोटोथेरेपी, समझ में आ गया, फोटोथेरेपी। ब्लू लैंप क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, इनसोल्यूबल है कौन, बिलिरुबिन को किसमें कन्वर्ट करता है, इनसोल्यूबल बिलिरुबिन को ये कन्वर्ट करता है किसमें, सोल्यूबल बिलिरुबिन में, ठीक है, सोल्यूबल बिलिरुबिन में ध्यान में रख लेना, इनसोल्यूबल बिलिरुबिन को सोल्यूबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट करता है कौन, ब्लू लाइट। और इसको किसमें यूज करते हैं, मॉस फोटोथेरेपी में, आपसे पूछा जा सकता है किसमें यूज करते हैं, फोटोथेरेपी के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन चिल्ड्रंस कैंडिडा एल्बिकेंस इंफेक्शन आर, बच्चों के अंदर, बच्चों में कैंडिडा एल्बिकेंस संक्रमण है, तो यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। यहां पे सही आंसर है वो है आल ऑफ अबो। देखो बात कर रहे हैं अपन यहां कैंडिडा एल्बिकेंस, देखो कैंडिडा एल्बिकेंस क्या है, एक तरह से ये फंगस है, क्या है ध्यान रख लेना, किस क्या नाम है, ये फंगस है। अगर माउथ के अंदर इंफेक्शन कर देता है, किसके अंदर, माउथ के अंदर इंफेक्शन कर देता है तो इसे कहते हैं अपन ओरल थ्रश, क्या कहते हैं इसे अपन, ओरल थ्रश। और जो वेजाइना के अंदर इंफेक्शन कर देता है तो इसे कहते हैं अपन मोनोलियासिस, ठीक है ध्यान रख लेना, क्या कहते हैं इसे अपन, मोनोलियासिस। इसके बाद में अगर बात करें तो डायपर के, डायपर जो रेशेस होते हैं, डायपर रेशेस
ये भी किसकी वजह से हो सकते हैं, कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से। तो यहां पर सही आंसर है वो है ऑल ऑफ अबोव, ठीक है, यानी कि उपयुक्त तो सभी संक्रमण हो सकते हैं किसके अंदर, बच्चों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टच चीक ऑफ न्यूबॉर्न देन टर्न हेड टुवर्ड द टच, ठीक है, इज नोन एज, जब नवजात शिशु के गाल को छूते हैं तो सिर को टच की ओर मोड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है इसे। जैसे मान लो, सपोज करो कि ये मान लो नवजात है, ये क्या है, नवजात है, ध्यान में रख लेना ये क्या है, नवजात है। अब इसके मान लो इसका गाल है, आपने इधर टच किया और इसने क्या है इसकी तरफ मुंह मोड़ लिया, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसे अपन, रूटिंग रिफ्लेक्स, क्या कहते हैं इसे अपन, रूटिंग रिफ्लेक्स, ध्यान रख लेना क्या कहते हैं इसे अपन, रूटिंग रिफ्लेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, इसे कहते हैं अपन रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर अपना वाला है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच डिजीज अकर इन चिल्ड्रन ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। बहुत स्टार लगा लेना, हर एग्जाम में इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों में कौन सा रोग होता है विटामिन डी की कमी की वजह से, यहां पे सही आंसर क्या होगा बताइए फटाफट, यहां पे सही आंसर है वो है रिकेट्स। देखो रिकेट्स, जो रिकेट्स है, रिकेट्स जो डिजीज है, ये किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी की वजह से। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, सर ऑस्टियो मलेशिया भी विटामिन डी की डिफिशियंसी से होता है, तो ऑस्टियो जो मलेशिया है, ऑस्टियो मलेशिया ये किसके अंदर होता है, ऑस्टियो मलेशिया होता है अडल्ट के अंदर, ध्यान रख लेना किसके अंदर होता है, अडल्ट के अंदर, और ये होता है चिल्ड्रन के अंदर, किसके अंदर होता है ये, चिल्ड्रन के अंदर, और ये होता है अडल्ट के अंदर। अब मैं आपको एक ऐसी रामबाण ट्रिक बताऊंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि ऑस्टियोमलेशिया किसमें होता है। देखो इसको याद रखने की जो ट्रिक है, याद रखने की मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ऑस्टियोमलेशिया, मलेशिया, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, मलेशिया से याद रख लो। बड़े लोग कहां घूमने जाते हैं, बड़े लोग घूमने जाते हैं कहां पर, मलेशिया, यानी कि बड़े यानी अडल्ट, ठीक है, तो अडल्ट के अंदर क्या होगा, ऑस्टियो मलेशिया। जब एक याद रह जाएगा दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा, समझ में आ गया। इसका भी किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से, ठीक है, और रतौंधी विटामिन ए की वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यूजिंग ईयर ड्रॉप इन, ठीक है, यूजिंग ईयर ड्रॉप इन टू ईयर ओल्ड बेबी विच इज करेक्ट मेथड पुल द पिन्ना, दो साल के बच्चे में ईयर ड्रॉप का उपयोग करना ईयर पिन्ना को खींचने का सही तरीका कौन सा है। तो कौन सा है यहां पर, फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन सा है यहां पर, यहां पे सही आंसर है वो है कौन सा है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, नीचे और पीछे, नीचे और पीछे की ओर, ठीक है, पीछे, ठीक है, नीचे और पीछे की ओर, ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। जैसे देखो ये क्या है, ये पिन्ना है, और ये क्या है, ये एक बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, ये समझ लेना कोई जोकर नहीं है, ठीक है, आप समझोगे सर जोकर बना दिया आपने, ये बच्चा। तो इसके कान को क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, बैकवर्ड, पीछे की तरफ और नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो ये ध्यान रख लेना, कई एग्जाम में पूछा हुआ है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ध्यान रख लेना। अगर आपसे अडल्ट के बारे में पूछ ले, अब अडल्ट में कैसे करते हैं, अडल्ट के बारे में पूछ ले तो आप कैसे याद रखोगे। देखो अडल्ट के बारे में पूछ लेते हैं तो इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं अपवर्ड, क्या करते हैं इसे, इसे करते हैं अपन अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ध्यान रखना क्या करते हैं इसे, अपवर्ड एंड बैकवर्ड, किसके अंदर, अडल्ट के अंदर। देखो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, एक ट्रिक है याद रखने की अडल्ट के अंदर और बच्चों के अंदर। तो यहां पर यू आ रहा है, क्या आ रहा है यहां पर, यू, यू का मतलब अप, ठीक है, यू का मतलब अप, बाकी तो क्या है दोनों में सेम है, ध्यान में रख लेना। तो आपसे अगर कोई पूछे अडल्ट के अंदर क्या करते हैं, तो अडल्ट के अंदर क्या करेंगे, यू आ रहा है, यानी कि अपवर्ड एंड बैकवर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन, यहां पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेड पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन, बच्चों में शीशे की विषाक्तता की सबसे गंभीर जटिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बच्चों के अंदर जो लेड लेड होता है उसकी विषाक्तता का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, लॉजिकल डिफेक्ट, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, ध्यान तो ना, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट
यानी कि नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, ठीक है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, जो नर्वस सिस्टम है उसकी प्रॉब्लम, उसे कहते हैं अपन न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे। बात कर लेते हैं यहां पर, विच टाइप ऑफ ल्यूकेमिया मोस्टली फाउंड इन चिल्ड्रन, किस प्रकार का ल्यूकेमिया ज्यादातर बच्चों के अंदर पाया जाता है, तो बच्चों के अंदर किस प्रकार का ल्यूकेमिया पाया जाता है। ल्यूकेमिया जानते हो ना, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया एक तरह से ये क्या है, ल्यूकेमिया को क्या कहते हैं अपन, ब्लड कैंसर, ध्यान रख लेना, ब्लड कैंसर। तो यहां पर ल्यूकेमिया बच्चों के अंदर कौन सा पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है यहां पर, कौन सा है, अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, ध्यान रख लेना कौन सा है, अक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। तो यहां पर करेक्ट आंसर है वो अपना है बी वाला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, कार्डियक साइनोटिक डिफेक्ट इज, कार्डियक साइनोटिक दोष है, ठीक है, साइनोटिक का मतलब क्या होता है, बॉडी जो होती है, बॉडी होती है क्या हो जाती है, ब्लूश हो जाती है, क्या हो जाती है, बॉडी ब्लूश हो जाती है, उसे कहते हैं अपन साइनोटिक डिफेक्ट। तो यहां पर कौन सा है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलियर, ट्राइकसिविड एट्रेसिस, ट्रंकस आर्ट्रोसस, ऑल ऑफ अबो, तो यहां पर बताइए सही आंसर, यहां पे सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। देखो दो प्रकार की बीमारी होती है, कौन सी, एक तो होती है साइनोटिक, साइनोटिक, और दूसरी होती है असाइनोटिक, साइनोटिक, ठीक है, असाइनोटिक, दो होती है असाइनोटिक और असाइनोटिक। साइनोटिक के अंदर टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, यानी कि बात करें अपन इसके अंदर क्या होता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में क्या है, चार चीजें होती है, क्या क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होती है क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, वीएसडी होता है, ठीक है, दूसरा ओवर राइडिंग आयोटा होता है, ओवर राइडिंग होता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है, ठीक है, स्टेनोसिस होता है, इसके बाद में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, क्या होती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है, ये होता है किसके अंदर, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। इसके अंदर क्या होता है, जो हार्ट की जो कौन सा ट्राइकस्पिड वाल्व है उसके अंदर क्या है, अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है किसके अंदर, ट्राइकस्पिड वाल्व के अंदर, और किसके अंदर, पल्मोनरी वेन है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज है उनके अंदर अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, ट्रंकस आर्ट्रोसस, ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये साइनोटिक डिसऑर्डर है। अगर बात करें आपसे पूछ ले एग्जाम में कि असाइनोटिक डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर एएसडी, वीएसडी, ठीक है, एएसडी, वीएसडी और पीडीए, ठीक है, एएसडी, वीएसडी, पीडीए। अब आप कहोगे सर ये यहां पे आपने वीएसडी इसमें बताया साइनोटिक में, तो ये चार चार बीमारी मिलकर बनाती है किसको, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट को। साइनोटिक में एएसडी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और पीडीए पैटर्न डक्टस आर्ट्रोसस। तो ये सब क्या है, ये तीनों क्या है, असाइनोटिक डिसऑर्डर है। इसको याद रखने के एक ट्रिक बता देता हूं मैं, असद वसद, ठीक है, असद वसद पादा, ये ध्यान रख लो, असद वसद पादा, असद का मतलब एएसडी, वसद का मतलब वीएसडी, पादा का मतलब पीडीए, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं असाइनोटिक डिसऑर्डर को, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर फाउंड इन चिल्ड्रन, बच्चों में पाए जाने वाला सबसे आम फ्रैक्चर कौन सा है, तो कौन सा है, यहां पर सही आंसर क्या होगा इसका, फटाफट आपको देना है जवाब। यहां पे सही आंसर वो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, क्या है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। देखो ग्रीन स्टिक जानते हो ना, ग्रीन स्टिक यानी कि गीली छड़े, समझ में आ रहा होगा, ग्रीन स्टिक, इस वाले फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी टूटती नहीं है लेकिन क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, हड्डी क्या है, टूटती नहीं है लेकिन क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, उसे कहते हैं अपन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर किसमें पाया जाता है, यानी कि जो डिजीज कंडीशन की वजह से होता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन हो, या फिर क्या है, हाइपर पैराथायरोडिज्म हो, ठीक है, पैराथायरोडिज्म, ऐसी कंडीशन में जो भी फ्रैक्चर होता है उसे कहते हैं अपन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच टीथ अपियर फर्स्ट इन चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत दिखाई देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों के अंदर सबसे पहले कौन से दांत दिखाई देते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फटाफट आंसर दो, आप तुरंत आंसर दो मेरे को फटाफट। यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे करेक्ट आंसर है वो है लोअर इंसाइजर। देखो बच्चों में क्या है कि लोअर इंसाइजर, जैसे मान लो ये क्या है, बच्चा है, ये क्या है, बच्चा है, इसके दांत देख रहे हो ना आप, ये सब बच्चा है, ठीक है। इसके जो लोअर इंसाइजर, नीचे वाले इंसाइजर, आप मत बोल देना कि ये सर ये तो उल्लू बना दिया है, उल्लू नहीं है, ये क्या है, बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है, समझ में आ गया, ये क्या है, बच्चा। तो इसके नीचे जो कौन से अपीयर होते हैं, लोअर इंसाइजर, कौन से होते हैं, इंसाइजर, लोअर इंसाइजर। और ध्यान रख लेना मेरे मित्रों, कब अपीयर होते हैं ये, 6 महीने पर, कितने पर, 6 मंथ्स पर, ये ध्यान रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, कौन सी एज पर अपीयर होने लगते हैं, तो 6 मंथ की एज पर अपीयर होने लगते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां पर क्वेश्चन में पूछा है अबनॉर्मल यूरेथ्रल ओपनिंग एट वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस, लिंग का असामान्य मूत्रवाहिनी का वेंट्रल पर खुलना है, क्या है यहां पर, वेंट्रल सरफेस पर ओपन हो जाना, इसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर दीजिए, इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं अपन हाइपोस्पैडियसिस, क्या कहते हैं इसे अपन, हाइपोस्पैडियसिस, हाइपोस्पैडियसिस जानते हो ना, जैसे मान लो ये क्या है, ये पेनिस है, ठीक है, ये क्या है, पेनिस है, समझ में आ गया, ये पेनिस है। तो यहां पर जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पेनिस है, यानी कि इसके नीचे ओपनिंग हो जाती है, इसे कहते हैं हाइपोस्पैडियसिस, हाइपोस्पैडियसिस, ध्यान रख लेना, यूरेथ्रा की पेशाब यहां से नहीं आके यहां से टपकने लग जाता है, तो उसे कहते हैं हाइपोस्पैडियसिस, ठीक है, और ऊपर की तरफ हो जाए ऐसे ओपनिंग, उसे कहते हैं एपिस्पैडियसिस। तो यहां पर पूछा किसका, वेंट्रल का, तो ऐसे आप याद रख लो, एचवी, ठीक है, याद रख लो एचवी। फिमोसिस, फिमोसिस का मतलब क्या होता है, जब फोर स्किन, पेनिस की फोर स्किन बाहर रिट्रैक्ट नहीं होती, उसे कहते हैं अपन फिमोसिस। तो लेकिन अपने यहां पर सही आंसर है वो है बी वाला। बात कर लेते हैं यहां पर, मोस्ट सेंट्रल एंड एक्सेसिबल आर्टरी टू चेक पल्स इन द चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर ऑफ एज, 1 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में नाड़ी की जांच के लिए सबसे केंद्रीय एवं सुलभ धमनी कौन सी है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा, देखो ध्यान रख लो, 1 ईयर से अबो के, तो सबसे कौन सी है यहां पर, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन सी है, सही आंसर क्या रहेगा इसका, सही आंसर है इसका दोस्तों वो है मेरे मित्रों कैरोटिड, ठीक है, कौन सी है यहां पर, कैरोटिड है, ठीक है, कैरोटिड आप जानते हो ना, कैरोटिड कहां पर होती है, कैरोटिड यहां पर होती है, कहां पर, गले के यहां पर, ठीक है, कैरोटिड कहां पर होती है, गले के यहां पर, यहां पर चेक करते हैं किसको, कैरोटिड को, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। बात कर लेते नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग सीन इन, 200 स्टार लगा लेना, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसमें दिखाई देता है, प्राक्षेप से उल्टी किसमें दिखाई देता है, तो बताइए फटाफट आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या है, यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे करेक्ट आंसर है वो है पाइलोरिक स्टेनोसिस, किसमें दिखता है, पाइलोरिक, ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस में, ध्यान रख लेना किसमें, पाइलोरिक स्टेनोसिस में, आपको ये पूछा जा सकता है किसमें दिखता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस में। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, देखो मैं आपको यहां बता देता हूं, पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, जो पाइलोरिक एंट्रम होता है, क्या होता है, पाइलोरिक एंट्रम, यहां की जो मसल्स है उसके अंदर क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी, ध्यान रख लेना क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी, इसकी वजह से क्या है, खाना आगे नहीं जा पाता है और यही रुक जाता है किसके अंदर, स्टोमक के अंदर, और जब स्टोमक के अंदर खाना रहेगा तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी, क्या होगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारी HTM के अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आप वहां पर संडे के संडे फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, तो आप तुरंत एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के नीचे लिंक है।